दोस्तों पाकिस्तान टीम को मिला मोहम्मद आमिर और शाहीन शाहफरीदी से भी खतरनाक युवा गेंदबाज। 20 साल के इस युवा गेंदबाज ने डेब्यू मैच में ही पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने लाहौर के स्टेडियम में खेले गए पांचवें T20 मुकाबले में इंग्लैंड को 5 रनों से हरा दिया और इसके साथ ही सीरीज में 3-2 की बढ़त हासिल कर दी है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 145 रनों का स्कोर बनाया और इंग्लैंड को लास्ट ओवर में जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी। दोस्तों और आपको बता दें कि क्रीज पर मोइन अली मौजूद थे जो 50 रनों पर खेल रहे थे। उसी बीच कप्तान बाबर आजम ने एंड अपना डेब्यू मैच खेल रहे आमिर जमाल के हाथ में थमा दी। जमाल ने अपने इस ओवर में सिर्फ 9 रन दिए और पाकिस्तान को 5 रनों से रोमांचक जीत दिला दी। दोस्तों इस मुकाबले में हर किसी की निगाहें आमिर जमाल पर टिकी रही क्योंकि उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। 26 साल के आमिर जमाल ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पांचवें T20 मुकाबले में अपना डेब्यू किया। डेब्यू मैच में ही जमाल ने सभी पाकिस्तानी फैंस का दिल जीत लिया। दोस्तों आपकी राय क्या है इस बॉलर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा।